नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान की आवाज़ और मैं हूं करण पारिक। सबसे हटकर सबसे अलग सत्य के साथ राजस्थान की आवाज़। श्री गंगानगर से इस वक्त दुखद घटना सामने आ रही है। श्री गंगानगर जिले में कल रात्रि को भीषण सड़क हादसा हो गया। भीषण सड़क हादसा बस और ट्रेलर ट्रक के बीच में हुआ। हादसा इतना गंभीर था कि दोनों के बीच आग लग गई। इससे 12 के जलने व 3 यात्रियों के जलकर मरने की खबर सामने आ रही है। बस अनूपगढ़ से जैसलमेर जिले के मोहनगढ़ जा रही थी। चक 5K के पास सामने से आ रहे ट्रक के आमने सामने भिड़ंत के बाद बस पलट गई तथा दोनों वाहनों में भयंकर आग लग गई। बस अनूपगढ़ से जैसलमेर के लिए 8 बजे रवाना होकर घड़साना, रावला, खाजुआला व दंतोर के रास्ते जैसलमेर जा रही थी। अनूपगढ़ से मात्र 5 किलोमीटर चलते ही 5K के पास सामने से आ रहे ट्रेलर ट्रक से जबरदस्त भिड़ंत हो गई। दोनों वाहनों में भिड़ंत इतनी जबरदस्त थी कि दोनों वाहनों में आग लग गई। आग लगने के बाद आसपास के लोगों ने तथा सड़क पर आने जाने वाले वाहन चालकों ने अपने स्तर पर आग को बुझाने का प्रयास किया। इस बीच आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। लोगों की सूचना पर अनूपगढ़ और घड़साना दोनों थानों का पुलिस जाब्ता भी मौके पर पहुंचा। वहीं अनूपगढ़ BSF से पानी का टैंकर तथा एक अग्निशमन वाहन तथा आसपास के किसानों द्वारा पानी का टैंकर लाकर आग बुझाने के प्रयास में जुट गए। करीब 2 घंटे बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक अधिकतर वाहन जल चुके थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बस में करीब 20 सवारियां अनूपगढ़ काउंटर से टिकट लेकर बस से रवाना हुई थी। इसके अलावा बस में चालक, परिचालक सहित 4 जनों का स्टाफ भी मौजूद था। बताया जा रहा है कि ट्रेलर ट्रक रॉन्ग साइड में आ रहा था और ट्रक में चूना भरा हुआ था। इस बीच दुर्घटना के बाद 12 सवारियों को घायल अवस्था में अनूपगढ़ अस्पताल पहुंचाया गया है। वहीं घटनास्थल से 3 डेड बॉडी भी अनूपगढ़ अस्पताल पहुंची, जिनकी अभी तक कोई पहचान नहीं हो पाई है। हालांकि बस चालक का कोई अता पता नहीं चल पाया, जबकि परिचालक के एक पैर में फ्रैक्चर है जो अनूपगढ़ अस्पताल में उपचाराधीन है। इसके अलावा कुछ लोगों को घड़साना भी लेकर जाने की जानकारी सामने आ रही है। वास्तविक स्थिति का पता आज दिन में चल पाएगा। घटना के बाद सड़क के दोनों तरफ लंबी लाइन लग गई थी। वहीं पुलिस प्रशासन ने आग के विकराल रूप को देखते हुए लोगों को काफी दूर रोक दिया। हालांकि समाचार मिलने तक आग पर काबू पा लिया गया था, लेकिन बस में वास्तविक यात्रियों की संख्या तथा कितने सवारी बस के अंदर जल चुकी है यह पुष्टि प्रशासन या बस ऑपरेटर कोई नहीं कर रहा। सामने से ट्रक आ रहा था, वो ट्रक वाले ने बस के अंदर ले आ रहा था, बस वाले ने नीचे गिर दिया। आगे पेड़ था, पेड़ में लगने के बाद में बस पलटा मार गई। पलटा मारने के बाद बस में आग लग गई। तो मैं बारी तोड़ के भी नहीं यहाँ लिख लिया। आगे 2 बच्चा और 1 महिला थी, उसको तो मैंने निकाल लिया, आगे निकाल के छोड़ दिया। बाकी ये पीछे की सवारी थी, सीटों सीट वो अंदर थी, मैंने देखा था। वहाँ से 2-5-7 बंदे हम निकल गए, फिर आग एकदम पकड़ गई ने मेरे हाथ के चोट, सिर में खून आने लगा। मैंने सवारी रही होंगी उस बस में, सीटों सीट थी सर, अभी लगभग 20 सीट होती है एकदम सवारी भी। टिकट 25 सीटों कट्टी हुई थी, बाकी वो लोकल थी। भजन कौर जी, अभी तो पे सी, सानू नहीं पता भी कादे च गड्डी वजी कादे च नहीं वजी, सानू नहीं पता। तुहानू तुहाडा समान वगैरह सब मिल गया? नहीं मिलिया वीरा, समान तो साढ़े लीड़े पे जड़े अंग ते पाए ना ओ ही है ना, तो बैग मेरा पैसे वाला थे आया। मैनू किन्ने पैसे सी? ओदे च हैगा 8 लाख रुपया वीरा जी। मैं आधी जायदाद वेच के फिर मैं उधर जांदी सी भी कोई जवाकां दा कोई लै दूंगी। अभी इसमें 12 इंजर्ड हैं जो हमने रात को रिसीव किए हैं यहाँ पे, और 3 डेड बॉडीज रिसीव किए हैं जो कि अनआइडेंटिफाइड है, अभी तक उनकी पहचान नहीं हो पाई है। जो इंजर्ड है उनमें ऐसा कोई नहीं था जिसको रेफ़र करने की ज़रूरत पड़ी हो, तो उनका सभी का इलाज यहीं पे हुआ है, अभी यहीं एडमिट है वो सब। लेकिन मौका ही जश्मीदी लोग बता रहे हैं कि लगभग 7 लोगों की डेथ हुई है। नहीं, हमारे पास 3 बॉडी रिसीव हुई हैं, इसके अलावा आगे की जो जानकारी हो सकता है कुछ लोग घड़साना भी गए होंगे, क्योंकि हमारे पास 12 इंजर्ड आए हैं और कुछ लोग घड़साना भी गए हैं वहाँ से। अब तक के लिए बस इतना ही, बने रहिए राजस्थान की आवाज़ के साथ। जय हिंद, जय भारत।